महंगाई ने एक बार फिर बिगाड़ा घरों का बजट। आपको बताते चलें, पिछले एक हफ्ते में फलों और सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। नवरात्रि के बाद लोगों को उम्मीद थी कि एक बार फिर से सब्जियों के दाम घटेंगे, लेकिन इसका उल्टा थोक और फुटकर दोनों ही श्रेणी के दाम बढ़े होने से आम जनमानस परेशान है। आलू प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम भी लगभग डेढ़ गुना बढ़ गए हैं। वहीं फलों के दाम भी बढ़े होने से यह आम आदमी की पहुँच से दूर हो रहे हैं। वर्तमान में सब्जी मंडी में आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 रुपए, बैंगन 40 रुपए, करेला 30 रुपए, गोभी 60 रुपए प्रति किलोग्राम, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो बिक रही है। वहीं 5 से 10 रुपए किलो मिलने वाला पालक भी 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है और लौकी 20 पार कर चुकी है। फलों की गुणवत्ता को देखते हुए अलग अलग दाम तय किए गए हैं। फल व सब्जियों के मौजूदा दाम पिछले हफ्ते की अपेक्षा 25 से 50 फीसदी तक बढ़े हुए हैं। माना जा रहा है कि इस माह सब्जी और उच्चतम महंगाई को पार करेगी, क्योंकि जिस तरह से यमुना के क्षेत्रों में यमुना का जल स्तर बढ़ा है, उसके अनुसार आसपास होने वाली सब्जी की खेती को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक सब्जी विक्रेता से बातचीत करते हुए बताया कि वर्तमान समय में सब्जियों पर जिस प्रकार से महंगाई चल रही है, उसके अनुसार लोगों ने सब्जी कम खरीदना शुरू कर दिया है। जो लोग पहले 1 किलो या 2 किलो सब्जी खरीदा करते थे, अब वह आधा किलो से काम चला रहे हैं। टमाटर की बात करें तो वैरायटी टमाटर 60 रुपए किलो है, तो वहीं देसी टमाटर 80 किलो तक बिक रहा है। महंगाई को लेकर के हर तरफ मारामारी मची हुई है, हर व्यक्ति परेशान है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या फिर अन्य सामान। हम बात करते हैं उस चीज़ की जो हर आदमी की ज़रूरत है, यानी सब्जी रोटी। सब्जी रोटी भी दिनों दिन महंगी हो चली है। जहां आटा आज 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं सब्जियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां 5 से 10 रुपए किलो तक आलू बिकता था, आज 1520 रुपए तक आलू है। यानी 15 रुपए किलो वाला वो आलू है जो काफ़ी मीठा, इसे लोग कहते हैं साधारण आलू कहते हैं, और 20 रुपए किलो अच्छा वाला आलू है। इसलिए और बात करें टमाटर की, तो टमाटर भी किसी से कम मुर्दार नहीं है। यानी ब्रज भाषा में कहें कि टमाटर भी महंगाई में पेट्रोल के पीछे पीछे चल रहा है। टमाटर का भाव जहां वैरायटी टमाटर 60 रुपए किलो है, तो वहीं देसी टमाटर 80 रुपए किलो है। मात्र पेट्रोल से 21 रुपए कम कीमत पर बिक रहा है टमाटर। हालात ये है कि लोगों की थालियों से अब सब्जी गायब होने लगी है। दालों की बात करें तो दालों की महंगाई चढ़ती जा रही है। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।